स्वाहा
स्वाहा।
स्वादिष्ट नामों का जप करते हुए आहुति को आप लोग भी मानसिक रूप से वहां से डालेंगे। ओम सरस्वती स्वयं दृष्टा वीणा पुस्तक धारे हंसा विद्यादान करीब प्रथमं भारतीयानां द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं ज्ञान यात्रा षष्ठं मार्गेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चंद्रघंटा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्रह्मण्याद्वादशात् नामानि त्रिशतं या पठेन नर सर्व सिद्धि करे तस्य प्रसन्नं परमेश्वरे स्वाहा। ओम प्रथमं भारते नामं तृतीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बांकेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चंद्रघट्टा द्वादशं भुवनेश्वरे स्वाहा। ओम प्रथमं भारते नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बांकेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादश चतुर्थघट्टा द्वादशं भुवनेश्वरे स्वाहा। ओम प्रथमं भारते नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं मांगेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चतुर्थघट्टा द्वादशं भुवनेश्वरे स्वाहा। ओम प्रथमं भारते नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बांकेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादश चतुर्थघट्टा द्वादशं भुवनेश्वरे स्वाहा। ओम प्रथमं भारते नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बांकेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चतुर्थघट्टा द्वादशं भुवनेश्वरे स्वाहा। प्रथमं भारते नामं द्वितीयं सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बांकेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चतुर्थघट्टा द्वादशं भुवनेश्वरे स्वाहा। प्रथमं भारते नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बांकेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं बांकेश्वरी ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चतुर्थघट्टा द्वादशं भुवनेश्वरे स्वाहा। प्रथमं भारते नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बांकेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चतुर्थघट्टा द्वादशं भुवनेश्वरे स्वाहा। प्रथमं भारते नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बांकेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं चतुर्थघट्टा द्वादशं भुवनेश्वरे स्वाहा। प्रथमं भारते नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थकं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठं बांकेश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री
जिस भी तरह से आप लोग अपने अपने अभीष्ट कार्यों की सिद्धि के लिए इस दिव्य यज्ञ में हिस्सा लिया, आपके बच्चों के लिए, आपके अपनों के लिए, आपके परिजनों के लिए,
माँ सरस्वती की कृपा आप सबको प्राप्त हो, और विशेष आहुतियाँ जो आपको पड़ी हैं आप लोगों के निमित्त सरस्वती द्वादश नाम का, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत कुछ तांत्रिक रूप में भी मिला है। हमारा प्रयास हमेशा यही रहा है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को दिया जाए, और उस प्रयास में हम सफल होते हैं तब जब आप लोगों का सानिध्य मिलता है। इसी के साथ हम एक और जानकारी आप लोग को देना चाहेंगे कि 21 मार्च से 28 मार्च होलाष्टक महानुष्ठान हम करवाएंगे, रात में उसका जाप होगा और प्रतिदिन उसमें हवन और बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको मिलेंगी। आज कुछ कार्यक्रम आपको इसमें प्रेषित किया जाएगा आप लोगों के पास, अब पूर्णाहुति हो चुकी है, आप लोगों तक प्रसाद भी हम पहुँचवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पूर्णाहुति से पहले क्षेत्रपाल जी को बलि दी जाती है और क्षेत्रपाल देवता का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण रूप से, किसी का कुछ पेपर में अड़चन आ रही है या किसी भी प्रकार की शिक्षा में अवरोध हो रहा है, क्षेत्रपाल जी का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी रुकावट को अब दूर करें, पूरी तरह से कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही ध्यान करते हुए आपको यह पूर्णाहुति मानसिक रूप से प्रदान करनी है। आप लोगों ने पूर्णाहुति का आनंद ले लिया है, अब बस कुछ और छोटे छोटे प्रोसेसर्स बचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सरस्वती पूजन का इस महाआनंद का आशीर्वाद और पूर्ण फल प्राप्त किया होगा। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेंगी। यूं ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। कुछ विशेष डिटेल्स और हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। आज ही होलाष्टक महानुष्ठान की जानकारी, जैसा कि अभी हमने बोला है, उसकी भी जानकारी हम आप तक पहुँचाएँगे कि होलाष्टक में किस तरह से हम प्रयोग करने वाले हैं 21 मार्च से 28 मार्च। तो इंतजार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग का प्यार भी हमारे साथ बना रहे हैं। धन्यवाद। आनंद उठाइए। दसों दिशाओं से क्षेत्रपाल जी रक्षा करते हैं। मानसिक रूप से आप लोग उच्चारण करेंगे। हाथ में चावल फूल दे दीजिए। बोले ओम क्षेत्रपालाय क्षेत्रपालाय शाकिनी शाकिनी डाकिनी डाकिनी भूत प्रेत बैताल पिशाच बैताल सहिताय सहिताय इमम मम बलिम बलिम समर्पयान समर्पयान भो 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 क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल दिशो रक्ष दिशो बलिम भक्ष बलिम मम मम यजमानस्य यजमानस्य सकुटुंबस्य सकुटुंबस्य सपरिवारस्य सपरिवारस्य आयु कर्तारः आयु कर्तारः शांति कर्तारः शांति कर्तारः पुष्टि कर्तारः पुष्टि कर्तारः पुष्टि कर्तारः वरदो वरदो भव भव ओम पुत्रान देहि धनम देहि विद्याम देहि सर्वाकामाक्ष देहि मे देहि मे आयु आरोग्यम निर्विघ्नम कुरु सदा नमः। ओम क्षम क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। सर्वोपचार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामहे। अब खड़े हो जाइए। मूंग के फल से नारियल नहीं मूंग यज्ञ नारायण देवता के पुड़ावते सब लोग सामग्री ले लेंगे हाथ में। ब्राह्मण देवता गुरु जी के हाथ में मूंगे फल और पुड़ावते ओम पुण्यः पुण्यमिदं पुण्यात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते ओम पुण्यं स्वाहा। ओम घृतधारम ओम हरे ओम वसो पवित्रमति सहस्रधारम वसो पवित्रमति सहस्रधारम महादेव सविता पुनः तो वसो पवित्रेण सुधारेण काम दुख नारायण भगवान की जय। ओम अवशेष भागाय रुद्रभागाय स्वाहा। तर्पण मार्जन कर लो।
अब जितना हवन होता है, जितना पूजन किया जाता है उसका दसवां हिस्सा हवन होता है, और हवन के दसवें हिस्से का तर्पण होता है जो पितरों को वहां भाग जाता है, और उसका